मैम आज ऐसा करना मैम, जो 16 के 25 तक स्क्वायर रूट्स बाकी है ना मैम, वो लास्ट के 10 या 20 मिनट्स में है ना मैम, नहीं तो मैम 4 o'clock तक इसमें ही बच जाएंगे। मैम पर 5-10 मिनट में कैसे होगा सबका? क्या मैम? ओके एक्सरसाइज 6 पॉइंट। यस रुद्राक्ष, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम 16 का स्क्वायर है 256 और 15 का स्क्वायर है 255। हाउ इट इज पॉसिबल? 16 का स्क्वायर है 256 और 15 का स्क्वायर 225। मैम 225 है? हाँ। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। एवरीबॉडी ओपन योर टेक्स्टबुक। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। 1 + 3 + 7, 5 + 7 + 7। हमें ऐड नहीं करना, ऐड करके तो कर ही सकते हैं, ऐड करे बिना इसका आंसर देना है। सो सब में 2 का डिफरेंस है। यू कैन सी दैट ऑल आर ऑड नंबर्स। सब दिख रहे हैं ऑड ये? 1 ऑड, 3 ऑड, 7 ऑड, 9 भी ऑड। एवरी नंबर इज ऑड। ओके सो देयर इज वन फॉर्मूला, सम ऑफ ऑड नंबर। ये फॉर्मूला लिखो, सबको सम ऑफ ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। मैं बताती हूँ क्या होता है ये, बट लिख लो, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। टोटल कितने ऑड नंबर्स है? 1, 2, 3, 4 and 5 odd numbers are there. So, iska answer directly aa jayega if you do 5 ka square, yani 25. Just count karna hai ki kitne odd numbers hai. Jitne odd numbers hai, uska square karne hai. Okay? But, beta hand raise. But, one condition, iski ek condition ye hai beta, कि ये फिर 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। से स्टार्ट होना चाहिए बेटा, 1 से। अगर 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एंड सेकंड थिंग, बीच में कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद नेक्स्ट और नंबर 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब अगर ये ऐसा होता 1 + 3 + 9 है तो सारे odd numbers 1 से start हो रहा है, but बीच में 7 miss हो गया 5 के बाद 9, तो भी ये formula नहीं लगा सकते। तो ये formula लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 से होना चाहिए और सारे order में होने चाहिए, एक भी odd number miss नहीं होना चाहिए, then you can apply this formula n square। ठीक है, बोलो रुद्राक्ष। मैम अगर जो 1 ऑड होगा और सेकंड इवन ऑड इवन हो तो चले होगा क्या? फर्स्ट ऑड होगा और सेकंड इवन होगा चलेगा ना? वही तो मैंने बोला बेटा, सारे ऑड ही चाहिए और एक भी मिस नहीं होना चाहिए बीच में नंबर। और सारे इवन हो गए तो नहीं लगेगा, ये सिर्फ ऑड का ही फॉर्मूला है। माधवन? यस मैम, मैं पूछ रहा था मैम, वो जो इन सब में डिफरेंस भी 2 का ही है सब में? हाँ, ऑड में और इवन में ऐसा ही होता है बेटा, 2 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑड इवन नंबर्स ऐसे ही होते हैं, एक इवन होता है फिर उसके बाद ऑड होता है, फिर इवन एंड ऑड। ओके लाइक दैट। चलो अब बेटा इसके आगे के जो सम्स है वो कर लो तो कंप्लीट। इसके नेक्स्ट देखो, हमने मैम हमने हमें और सब में ये फॉर्मूला लिखना है। मैम लिखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करो, मैं आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट। सेकंड हो आएगा।
मैम सेकंड का आंसर बताना है। हंड्रेड 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 इज द आंसर। वाले में चेक करो कितने और नंबर्स है। 1 + 3 = 7 + 3 = 11 = 19 का तो कितने नंबर्स है वो काउंट कर बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर्स है। 10 ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 आंसर इज 100। पर मैम आपने ये 11 के बाद कंटिन्यू है तो जगह नहीं है ना मेरे पास इसे इसको स्क्रीन करते हैं तुम्हें पूरा लिखना है। ओके मैम। और मैम थर्ड का आंसर 144 आता है। 144 7 के बाद कहां तक है ये टिल 23 तो 11 12 हां राइट 12 नंबर है ना। 144 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
मतलब ये है कि वो वन से ही चालू होना चाहिए और बीच में एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, बीच में एक भी ऑड नंबर मिस नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर एट। मैम हो गया क्वेश्चन नंबर एट के फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर एट भी सेम ही है पर इसका उल्टा है, कन्वर्स, इसका कन्वर्स। Express 49 as the sum of 7 odd numbers. Express 49 as the sum of 7 odd numbers. 7 odd numbers ka sum batana hai hume. So 7 odd numbers. So starting from 1. 7 odd numbers likhne hai. 1, 3, 5. 7, 9, 11, 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 11
49 किसका स्क्वायर होता है? 49 होता है 7 का स्क्वायर। और नंबर्स कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक है, तो 7 और नंबर्स लिख देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 और नंबर्स तो 7 का स्क्वायर, यही होगा ना, हो गया 7 और नंबर 49 आ गया इसका आंसर, इसका कन्वर्स हो गया, 7th वाले का ये कन्वर्स हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 121 को लिखना है, 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 मतलब 11 नंबर, 11 मैम 11 नंबर्स लिखना है ठीक है, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 ऑड नंबर्स लिखना है। मैम क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी नंबर्स, मैम वन सेकंड प्लीज, to start. How many numbers lie between squares of the following numbers? देखो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे चीजें समझ में आएगी। मैम फर्स्ट का आंसर बोलू, फिर आंसर मेरे को आंसर
हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तुमको दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट में तुमको दिया है 12 and 13. तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है? 148 जाएगा, ठीक है? तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n. द फॉर्मूला इज 2 into n, मतलब इधर n क्या होगा ये वाला नहीं देखना है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में छोटा नंबर 12 और 13 में छोटा नंबर कौन सा है? 12. तो 12 2 24. मैम हम तो डायरेक्ट 2n वाली मेथड अप्लाई करें तो मैम इजीली हो जाएगा. हाँ अभी देखो नेक्स्ट का 25 and 26, तो इसमें इसके स्क्वायर्स के बीच में कितनी नंबर है? तो 2n, तो 2 into, दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 50. मैम 50 आंसर आएगा. बेटा मेरे को आंसर कोई भी नहीं बोलेगा. मुझे एक क्वेश्चन है इसमें. क्या बेटा? मैम मुझे एक क्वेश्चन है इसमें कि मैम कोई भी जैसे कि कोई भी डिजिट हो तो मैम हमको 2 से ही करने का. हाँ 2 से ही करना है, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. वो स्मॉलर नंबर जो भी हो ना, दोनों में से स्मॉलर नंबर जो भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसका ना डेरिवेशन पॉइंट कैसे आता है बट अभी तुमको तुमको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर कर दोगे ना, फिर कभी रिवीजन में करेंगे ये चैप्टर तो मैं बताऊंगी कैसे आता है. अभी के लिए याद करो ठीक है? पर मैम इसको 2 से अलावा 3 से या 4 से नहीं करते? फॉर्मूला कैसे चेंज कर सकते हो? खुशी मतलब आज हम उठे तो 3, कल उठे तो 4 कर देंगे, फिर मन किया तो 5 कर देंगे, ऐसा नहीं है. दिस इज फॉर्मूला 2n, इट शुड बी 2 ऑल द टाइम. ओके मैम थैंक यू. मैम हो गया? नो मैम 1 सेकंड मुझे लिखने के बाकी. ओके नाउ अब हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर. सब लोग इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो. अगर मैंने कोई नंबर ऐसा लिखा है 32 का स्क्वायर, तो जनरली तो हम 32 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे 32 को मल्टीप्लाई बाय 32. ठीक है, अगर मैंने लिखा 96 का स्क्वायर तो हम कैसे फाइंड करते हैं? 96 into 96. ठीक है, अभी तक हम ऐसे ही करते थे. बेटा खुशी म्यूट हो जाओ. नाउ अब हम इसे फाइंड करेंगे. बेटा ये पूरा 2 बार में सम आता है, 2 से 3 में भी आता है कभी कभी, इसलिए मैं बता रही हूँ ध्यान देना. जैसे अगर लिखा है 32 का स्क्वायर, ठीक है 32 का स्क्वायर, तो 32 को मैं लिख सकती हूँ 30 plus 2. कैन आई राइट डाउन लाइक दिस 32 को कैन आई राइट डाउन 30 plus 2? यस मैम. राइट? अब उसका होल यस मैम. अब देखो ये कैसे करना है. तुम्हें ये टेक्स्ट बुक में मेथड दी है बट मेरे को मेथड अच्छी नहीं लगती है. डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है, वेरी लॉन्ग मेथड. सो आई विल टीच यू अनदर मेथड जो नहीं अगर टेक्स्ट बुक तुम उसे एग्जाम में करोगे तो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा. देखो
Have you heard of this? Anybody? Yes, ma'am. Ma'am, exponents and powers. A plus B whole square. मैं यहाँ पे एक formula लिख रही हूँ बेटा, इसके साथ ध्यान देना, ठीक है? A plus B, A plus B whole square is written as, ये first term है, ये second term, ठीक है? जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 2 है. Whole square. Whole square का क्या मतलब होता है? Whole square का मतलब ये होता है कि ये दो बार लिखा जा रहा है ऐसे. अगर इधर 3 हो, अगर 3 हो मतलब 3 बार, इधर पावर 4 हो तो मतलब 4 टाइम्स ब्रैकेट, इतना ही आएगा, हमें सिर्फ 2 तक का ही आएगा. सो फर्स्ट टर्म ऐसे ब्रैकेट कर देगा, देखो ऐसे कर देगा, एक ब्रैकेट whole square, एम्प्टी रखो उसे, फिर 2 लिखो, दो ब्रैकेट और फिर वापस से एक ब्रैकेट और, ठीक है? अभी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ. ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले इधर आएगा फर्स्ट टर्म, फिर आएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और फिर आएगा सेकेंड टर्म. इसको यूज करके ही हम सारे सम्स करेंगे, ठीक है? अब देखो इसे कंपेयर, A की जगह पे है 3030, B की जगह पे है 2, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर. मैं लिखने का टाइम दूंगी बेटा, आई विल गिव यू टाइम टू राइट इन नोटबुक, सो पे अटेंशन ओवर हियर. 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, पहले करो फर्स्ट ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट second bracket का square, first term 30, then 30 and 2 and then 2, second bracket में ये आ गया, first term 30, फिर 30 and 2 और फिर second, ये last term. अब इसको solve करेंगे, what is 30 का square? 3 का square, 3 का square का मतलब क्या है? 900. अब मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, एक दो तीन, तीनों मल्टीप्लाई, 2 इंटू 30 60, 16 इंटू 2 120, 2 का स्क्वायर 4. नाउ वी विल ऐड दिस 4 2 एंड 10. अब लिख लो, ठीक है? जिसको डाउट हो अभी होल्ड, डाउट अभी मत पूछना, अभी मैं एक बार सॉल्व करा दूं उसके बाद देखना डाउट है कि नहीं. अभी ये लिख लो मैम, हेडिंग 6.2 डाले. हाँ 6.2. मैम रुको, मैं बुक खत्म हो गया, मैं दूसरी लेके आई. मैम हो गया तो सेकंड चालू करें. मैम 2 मिनट. मैम सेकंड चालू करें. हाँ मैम रुको. मैम रुकी. मैम
मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम इसकी एक दूसरी मेथड दिखा सकते हो? दूसरी क्यों बेटा, एक मेथड में क्या दिक्कत आ गई? मैम आपने वो जो लाइन जो रफ की ना आधी वो प्लीज लिखेंगे, मेरा थोड़ा बाकी रह गया। 90 का होल स्क्वायर देना, तुम लोग समझ के करो ना खुद ही बेटा। ओके मैम। मैम कंप्लीट। मैम कंप्लीटेड। मैम कंप्लीटेड। ऐसा ऑब्जर्व करेगा, पहले क्या करना है, एक ब्रैकेट का स्क्वायर, टू इन ब्रैकेट ब्रैकेट में करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आएगा यानी 30, फिर 30 और 5 दोनों आएंगे और लास्ट में सिर्फ 5 आएगा। अभी इसे ओपन करेंगे, फिर से 30 का स्क्वायर यानी 900, 2 × 6, 5 = 30, ये मल्टीप्लाई होता है तीनों, 2ab होता है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 60 × 5 = 300, प्लस 25 1225। हाँ मैम यह हो जाए तो दूसरा करें। हाँ नेक्स्ट करना है। मैम 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 थर्ड तक हो गया। 86 है बड़ा थर्ड, ठीक है, तो यू कैन डू 80 + 6। 90 - 4 भी कर सकते हो अगर माइनस करना है तो, वरना माइनस में दिक्कत आती है तो प्लस भी कर दो। 86 मतलब 80 + 6। Eighteen plus six, same to the brackets.
मैम मैम चैट में आंसर लिखा आप देख लोगे। ये मेरे को तुम 86 का आंसर दे रहे हो बेटा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। यो 1 1 2 1 2 कैसे आएगा बेटा? पीछे की यूनिट डिजिट पे देखने की मैंने बोला ना, वेरीफाई करो हमेशा 6 है पीछे, तो 6 है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा? 6 ही आएगा ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। मैं मेरा सही है, चेक करते हैं। 86 and 6, 80 का स्क्वायर 64 100, फिर 8 2 16 16 6 96। मैम 7396, 7396। यस यस मैम, मेरा भी 7396 है। क्या आंसर आया सबका? 6 6 3 9 3 4 आगे करता हूँ। मैम 2 मिनट। तो 93 का स्क्वायर, दैट इज 90 प्लस 3 का स्क्वायर, करो 10। मैंने आपको फूड का चैट में आंसर भेजा। 93। मैम मैम मेरे 6 के 6 कंप्लीट हो गए। ओके मैम, मैं आपको चैट में भेजा। मैम तो मैं अब पानी पी के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैम किचन में से 2 मिनट में पानी पी के आया। आपको चैट में लिख। मैम चैट में आंसर लिख दिया। मैम मैंने भी लिख दिया। 90 प्लस 3। सबको आ गया ना? 90 स्क्वायर प्लस 2। 90 3 3 स्क्वायर। मैम आप ये फिर से समझाओ तो।
मैडम क्या फिर से समझाऊं, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आए, बोलो। हमें फोर्थ ही क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन? फोर्थ फोर नंबर का जो क्वेश्चन है ना आप जो करा रहे हो वो वाला। खुशी मेरे को एक बात बताओ, तुमने 1 2 3 किया ना मेरा फोर्थ सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तुमको क्या नहीं समझ में आया उसमें? मैम बट एक्चुअली है ना मैम बीच में ना मेरा जो फोन का नेटवर्क है ना वो चला गया था, इसलिए मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया था। नहीं करती रहोगी बेटा तो तुमको कैसे आएगा? यस मैम। मैम सेम ही है, मैम सेम ही है, बस डिजिट चेंज है। मैम इसका आंसर है 649। मैम विच इज मैम 8689 किसका है मैम? फोर्थ का। फोर्थ का आंसर क्या है मैम? 8649 है मैम। 8649 करेक्ट। यस मैम। मैम मैम बीच में 540 कैसे आया? मैं मुझे एक चीज इसमें नहीं पता चल रही है। मल्टीप्लिकेशन आता है ना घर में सबको? यस मैम। ओके ना। यस मैम। मैम इसमें आप इधर 2 क्यों लिखते हो? मैम आप फॉर्मूला में ये है ना a रेस टू मैम a प्लस 2 मैम ये है ना वो क्यों लिखते हो 2 मैम वो पूछ रही है। मैंने आपको फिफ्थ का आंसर भेजा। अरे ना चाहिए मैम, मैंने आपको फिफ्थ का आंसर चैट में लिखा है इसलिए। मैम फिफ्थ का आंसर बोलू दिया ना पार्ट, मैं चेक कर लिया। ओके मैम, मैम राइट है ना? हाँ मैम मैंने भी। ओके मैं सिक्स का बेचता हूँ। मैम मेरा सही है 71 का स्क्वायर। मैं मेरा भैया। हाँ सही सही मैं मेरा। हाँ सही है। ओके मैम मुझे ये पता नहीं चल रहा मैम, आप प्लीज से समझाओ ना। क्या खुशी? खुशी मैम। हाँ मैम मुझे ये पता ही नहीं चल रहा, आप प्लीज से समझाओ ना। बेटा पूरा सम ना पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया खुशी। 70 + 1 whole square, a plus b whole square होता है इधर bracket, first bracket करो 2 into bracket and bracket करो और फिर ये इधर क्या आएगा first term। खुशी 70 और 1 के first term कौन सा होगा इसका? अपना mic open कर दो खुशी, तुम open ही रखो mic अपना। 70 का a होगा और b का 1 होगा। इधर क्या आएगा दोनों ब्रैकेट में? a और b क्या आएगा? एक ब्रैकेट में a आएगा और दूसरे में b आएगा। और लास्ट ब्रैकेट में a और b a b b आएगा बेटा। a और b तो हो गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हो गया, लास्ट ब्रैकेट में क्या आता है? वन आएगा वन मतलब बी बी बी। अब बताओ 70 का स्क्वायर क्या होगा? 1400 बेटा 7 का स्क्वायर क्या होता है खुशी? 14 होता है 7 का स्क्वायर ना 49 सॉरी मैम 4900। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मैम
मैम 91 बेटा 2 और 70 और 1 मल्टीप्लिकेशन खुशी ये 91 कैसे हो रहा है मैम 141 आएगा शायद बेटा मैंने किस पूछा व्हाई यू हैव टू आंसर खुशी आंसर बोलो मुझे इसका यस मैम 1 सेकंड मैम अभी 2 मिनट सब शांत हो जाओ यस मैम मैं करती हूँ क्या मैं उधर चाहते बोलो मैं बोलूँ आंसर मैम 140 आता है कुछ भी कितना भी स्लो या आराम से समझाऊंगी समझ ही नहीं आएगा अगर हम 2 × 7 क्या होता है नहीं बता सकते नो मैम अभी तक आपने जो भी समझा ना वो पता चला सिर्फ ये नहीं पता चल रहा था 2 × 7 नहीं पता चला बेटा कि 2 × 7 क्या होता है तुम्हें 2 × 7 नहीं पता बेटा नहीं मैम 2 × 14 होता है 14 और 0 हाँ बराबर 140 मैम सॉरी कैन यू डू द एडिशन तीनों का यस मैम तो वी गेट 5041 यस मैम 5041 भी गेट यस यस मैम इसके बाद वाले का आंसर 5126 है नहीं मैम मैंने 6th क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में भेजा है मैम आप चेक कर लीजिए ना 2116 होगा मैम मैं आपको चेक नहीं कर सकता मैम क्योंकि मैं चैटिंग करके आपको सेंड का बटन दबाता हूँ तो मैम मेरे में ऐसा आता है यू कैन नॉट चैट विद 5041 मैम इसका मैं एडिशन कर दिया 5041 आता है अब सो दिस इज डन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर ओके बाय मैम हैव अ नाइस डे बाय मैम हैव अ नाइस डे बाय मैम बाय मैम बाय मैम नाइस डे मैम ऐसे तो मुझे लग रहा है गुजरात विल लीव हाय मैम मैम ऐसे तो मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है पर मैम आज पता नहीं क्या हो गया तो बेटा आप पता कर लेना मेहनत करनी है उस पे मैम मेरे को लग रहा है उस पे गलत डिजिट लिखी होगी इसीलिए गलत आ रहा होगा गलत डिजिट लिखी होगी चलो ओके बाय एवरीबॉडी मैम हमें चैप्टर मैम बाय मैम बेटा तुमको अभी फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट मिली ना यश बाय मैम अब मिलेगी सेकंड की मिलेगी और फिर 6th की मिलेगी वो सबमिट कर कब करनी है वो कह रहा सबमिट बेटा तुमको पूरा ये सब करके अपना जैसे आएगा ना ये तो जुलाई में मिली अभी तुमको ये वाली वर्कशीट अभी सबमिट कर दिए सैटरडे को कल ही है तुम्हारा सैटरडे तो ना और मैम आगे पर आगे भी जो जितनी वर्कशीट आएगी वो भी हमें पेजेस में ही करनी है पेजेस में ही करनी है थैंक यू बाय
गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग दिया. मैम होमवर्क इज डन. ओके इज डन. डन डन डन. पीडीएफ भेज दो आपको मैम. नहीं अभी नहीं भेजना है. यस बेटर. मैम हमारी एग्जाम 17 को थी, अभी थोड़ी जल्दी हो गई, यानी कि 12th को हो गई. कोई नहीं. कोर्स क्या है मैम? कोर्स नहीं दिया अभी तक. यस मैम एसएस का कोर्स नहीं दिया अभी तक. ओके मैम होमवर्क. यस दृष्टि होमवर्क डन. शौर्या. यस मैम. जय. रुद्र पटेल यू हैव नॉट कनेक्टेड विद योर माइक. डन. यस मैम. डन. एवी होमवर्क किया है? हाँ मैम. एविन वीडियो ऑन करो. हम दिखा दे. खतर ने दिखाया. यश दिखाओ. ओके मैम. 2 pages. यस मैम. कैन यू स्विच माय कैमरा? हाँ. मैम दिख रहा है मैम मेरा? मैम जय. रुको जय, मैं शौर्य का देख रही हूँ. हाँ जय दिखाओ. हाँ ओके ओके. कनिष्का मैम, मैम ये जो होमवर्क है वो सबमिट करना है ना? हाँ सबमिट करना है ना. ओके मैम. मैम कहाँ सबमिट करना है? बोला है ना आपको साक्षी मैम ने. yes. कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है. अभी आपकी डेट तो थोड़ी अभी 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 नहीं. मैम. यस बेटा. मैम मैंने वो टेस्ट के लिए साक्षी मैम से बात कर ली है. बेटा काफी बच्चों की वीडियो ऑफ है. अच्छा कर्तन स्कूल में क्या हो रहा है? हम स्कूल में तो अभी है ना, आज हम लोग कर रहे हैं. आज हम लोग क्या हो रहा है स्कूल में? वाइप वाइप पार्लियामेंट्री सिंडिकेट के क्वेश्चन. क्या क्या कौन सा चैप्टर? वाइप पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना, सिविक्स चैप्टर थी वो. हाँ. और अभी हम लोग जियो पे आए हैं वाइल्ड लाइफ. ओके भर भर के नोट्स दे. अभी नेक्स्ट हमें सिविक्स करना पड़ेगा, सिविक्स 3. ठीक है ना मैम? शुड आई शो माय होमवर्क? यस वेट बेटा. मैंने भी कर लिया होमवर्क. जियोग्राफी चैप्टर थी इस लेफ्ट. What बेटा? जियोग्राफी चैप्टर 3 इज लेफ्ट. मिनरल हम उसके बाद ही करवाएंगे ना सिविक्स.
कंटिन्यू करेगी ना, मैं जब इस ज्योग्राफी खत्म होगा फिर की बात करेंगे, कि उसके बाद हम सिविक्स लेंगे, आज तो हम ज्योग्राफी करेंगे। यस मैम। ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर की नेक्स्ट वीक आपको वर्कशीट मिलेगी। हाँ, किसको होमवर्क दिखाना था? मैम मुझे, तनिष्का। यस तनिष्का। मैम हियर इज द फर्स्ट पेज। ओके। And ma'am, here is the set. Ma'am, may I show my homework? Ma'am, may I show my homework? Wait. Ma'am, my homework is also. Yes. Yes, ma'am, Mira. Mira homework. Wait. Baki sab bache, dharmik, teerth, aap log ki video kyu off hai? Yes, ma'am. Ma'am, this is the first, ma'am, this is the my first lecture of SST. When I joined, this is of that homework, ma'am, glossary pattern. And then, ma'am, this is, I have made a flow chart on the resources. With examples, yes. Ma'am, these are the some principles of sustainable development. And ma'am, yes, ma'am, and this is the homework of the previous class, ma'am, that define on colonization and the textual question. Yes, देखो ये सागरी ने जैसे फाइलिंग की है, वैसे आप सबको पता है ना होमवर्क भेजना है। मैम फोल्डर चलेगा ना? अरे दौड़ेगा। मैम इस बार तो है ना, मैम ने कहा कि इस बार बुक चला देंगे मैम, फर्स्ट ये कोई बात नो प्रॉब्लम। क्या है पता है ट्यूटर ने बोला, बिकॉज हमें कैरी करना होता है वो सब, आप समझ रहे हो कि इतना सारा चीज हम कैरी करके कैसे घर पे लाए और फिर उसकी चेकिंग करे, फिर कैरी कर, और सिर्फ आपका एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, एट का दूसरा भी होता है, सेवन के दोस्त है, तो आप सोचो मैं कितना सारा पूरा बंच ऑफ बुक्स कैसे उठा के आऊँ। तो अगर ये पेपर्स या फोल्डर और फाइल होगा तो वो कन्वीनियंट रहेगा ना, हल्का होता है, हम हल्का होता है वो। यस मैम, मुझे सबमिट करने का आना है, सबमिट करने का आना है होमवर्क। सैटरडे बोला है ना आपको? मैम हर मंथ के सैटरडे आना है। हर मंथ? हाँ मैम, हर मंथ। एवरी वीक यू मीन? कॉन्शियस। हाँ एवरी वीक ऑफ सैटरडे, राइट कथन? हाँ हर मंथ कैसे हो गया? हर मंथ में जो चार ही सैटरडे होते हैं तो कोई वो, हर मंथ नहीं एवरी वीक बोलते हैं। चलो धार्मिक तू सही उल्टा जैसे भी लटकता हो जाइए इस पंक्ति पे, आई एम चेकिंग अप, वेट। देवम? यस मैम। ऑन योर वीडियो बेटा। यस मैम, आई एम जस्ट कमिंग इन अ सेकंड, जस्ट। पंक्ति तू कहाँ गायब हो गई? हाँ ये रही। दिखाओ बेटा। मैम दिस इज ऑफ जियोग्राफी जो मैं भूल गई थी करना। मैम दिस इज आल्सो द सेम एंड दिस इज हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर्स एंड दैट टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। ओके चल आज मैं आपको सिविक्स का दूंगी, जियोग्राफी फर्स्ट हो गया। हां दृष्टि मैम आई आल्सो डन। ओके चलो अभी सबको दिखाने की नीड नहीं है बेटा, आपने बोला तो आई बिलीव यू, और ऐसे भी मैं सैटरडे जब आएगा तो चेक तो करूंगी। ओके तीर्थ? यस मैम। आपको लास्ट लेक्चर का सब समझ में आया था? यस मैम। ओके देवम तूने वर्क किया है ना? मैम मैंने जो आपने ज्योग्राफी में दिया है वो नहीं किया, बट कल मतलब परसों आपने कहा था ना वो किया है मैंने। ज्योग्राफी भी कर देना, बुक हाथ में आएगी, नहीं होगा तो देख लेना। I want that work to be also completed. Yes. Dharmik, Rudra Patel, both the Rudra Patel, I want your video to be on. And Dharmik, even yours. Chalo, now we will continue with our geography. Chapter number 3. Ma'am, main Wi-Fi se connect karke aata hu. Haan ji. Oh.
हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स भी पूरे हो गए थे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया वाला भी पढ़ लिया था हमने कि वो बाकी था। हम पढ़ लिया, हम सारे कॉन्टिनेंट तक हो गया था। चलो टुडे वी विल स्टार्ट विद मिडल बैकग्राउंड। ओके यस मैम, यू जस्ट होल्ड मी। मैम मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल पे, तो मुझे भी वही बात पीडीएफ वाली में भी वही आ रहा है, ये ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बाद मैम मुझे मिल गया था। ओके यस मैम, मुझे भी वही आ रहा था, ऐसा आ रहा है नॉर्थ अमेरिका। हां, नाउ यूजेस ऑफ मिनरल पेज नंबर 29 ऑफ द ओल्ड एडिशन बुक, पंक्ति न्यू एडिशन इट इज व्हिच पेज मैम? 26. Okay, 26. This whole thing is very IMP. यहाँ पे टू मार्कर लिख दो, आपको टू मार्क का क्वेश्चन आंसर आता है। स्टेट द यूजेस ऑफ मिनरल, प्लस इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ को स्टार करना है, टेक केयर, मार्कर से हाईलाइट करना है, आपकी चॉइस। टू मार्कर का क्वेश्चन भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। सो दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। यूजेस ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स के क्या यूजेस होते हैं? मिनरल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कुछ मिनरल्स जेम्स जैसे होते हैं और काफी हार्ड होते हैं, और उसे अलग अलग ज्वेलरी में स्टड किया जाता है, यानी कि रखा जाए। रूबी इज अ मिनरल, डायमंड इज अ मिनरल, राइट? सो दे आर द जेम एंड दे हैव बीन स्टडेड इन द डिफरेंट ज्वेलरी। कॉपर एक दूसरा टाइप का मेटल है जो कॉइन्स में भी यूज होता है। यस तनिष्का, I understood beta, you can. And even to the pipes, यहाँ पे और आपको Sagni, can you give the yes Jay, Sagni, can you give us the example? See here they have said copper is used in coin to pipes. और आपको कुछ पता है कि coin और pipe का example क्या है? दूसरा कोई example पता है? जिसको भी पता है वो रेज हैंड करेगा। अभी मैं Sagni को पूछ रही हूँ, पर अगर किसी को एग्जांपल पता है कि कॉपर कहाँ पे यूज होता है तो वो बोल सकते हैं। Sagni? यस मैम, मुझे एक एग्जांपल पता है मैम। मैम जहाँ पे मैम मैंने एक बार देखा होता है एक मूवी में किया ना मैम, और क्या ना जहाँ पे मैम ऐसे गार्बेज बीन होता है, जहाँ पे मैम गार्बेज पूरा फेंकते हैं ना मैम, उसको उठाने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जेसीबी ट्रक्स आते हैं। तो मैम अगर जेसीबी ट्रक्स ना हो और जब वो मेन जगह पे पहुंच जाते हैं बहुत शहरों और गाँव से दूर एकदम, तो वहां पर मैम ना इतने बड़े बड़े कैंस होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं मैम, तो है ना मैम उसमें मैम कॉपर का यूज किया जाता है मैम। उसमें उस कैन में ना गार्बेज को स्टोर किया जाता है और फिर उसको उसी कॉपर कैन में डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। ओके ओके यस केविन। मैम रिंग्स, रिंग केविन, रिंग 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 यानी पहनने वाले रिंग की बात कर रहे हैं? ज्वेलरी, यू मीन ज्वेलरी। ओके, अभी सबके पास एक चीज है जिसमें कॉपर है मैम, यूटेंसिल्स। हमारी बॉडी, यूटेंसिल्स हमारी बॉडी, नो हमारी बॉडी कॉपर कितना फिट किया होगा जाए, क्या हो गया हम लैपटॉप के अंदर कुछ कॉपर का हो, लैपटॉप द ईयर पिंस व्हिच आर यू आर यूजिंग, यस जो प्लग होते हैं हमारे, वायरिंग होते हैं आपने जो डिवाइस से। अरे हां मैम, कॉपर के वायर्स, कॉपर वायर, समझ में आया? सबसे इजी कॉपर वायर व्हिच आर यूज्ड इन आवर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, क्लियर एवरीवन? यस मैम। सो डोंट हैव, यस मैम, यू हैव टू सर्च द एग्जांपल, हमारे सारे वायर्स में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बोला है कॉइंस, हमने बहुत, अगर आपको याद हो तो सेवेंथ में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसने गोल्डन सिल्वर कॉइंस को निकाल के उसने कॉपर कॉइंस इंट्रोड्यूस किया था। कॉपर कॉइंस काफी सालों से यूज होता है, अब हम नहीं करते नो डाउट। फिर पाइप्स, तो ये कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है और ये डेली नीड। यस केविन इज राइट, इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इट इज व्हाट, इट इज अ एलॉय। सी कॉपर इज व्हाट, एलॉय, एलॉय मींस यू मिक्स विद एवरीवन, सो इट इज यूज्ड मोर देन सिलिकॉन। जो जय ने आंसर दिया था ना कंप्यूटर, कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप होता है जय, सो सिलिकॉन इज यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वार्ट्ज, और इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन क्या बोला जाता है, प्लेटू बोला।
बोला जाता है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब इंडस्ट्री का चैप्टर आएगा। पर सिलिकॉन वर्ड इसलिए दिया गया है कंप्यूटर इंडस्ट्री को क्योंकि ये कंप्यूटर में लैपटॉप में जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन ज्यादा यूज किया जाता है। यस मैम, वो ट्रेन के अंदर भी यूज हुआ, ट्रेन के अंदर भी यूज होता मैम, रेलिंग 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 मैम, जो हमारे हेडफोन्स होते हैं ना, हेडफोन्स ईयरफोन्स या फिर हम जो भी मैम यूज करते हैं, तो उसमें ना मैम जो उसके अंदर छोटे छोटे मैम वायर्स के अंदर जो चिप लेते हैं ना मैम, उसमें भी मैम सिलिकॉन यूज करते हैं, उसमें कॉपर यूज नहीं करते, उसमें सिलिकॉन करते। मैं वायर यानी कि कौन से वायर की बात कर रही हूँ, वायर कॉपर वायर, कॉपर वायर, यस द कॉपर वायर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द स्विच राइट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ओके सी सो सिलिकॉन इज बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर बॉक्स, ओर बॉक्साइट यानी कि जो रॉ बॉक्साइट होता है उसमें से एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में, क्यों एयरप्लेन्स में एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, किसी को आइडिया है? मैम बिकॉज इट इज लाइट। यस बिकॉज ऑफ इट इज ऑफ लाइट वेटेड राइट। बॉटलिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, बिल्डिंग में, इवन इन द किचन कुकवेयर में हमें दिखने को, हमारे किचन अप्लायंसेस में एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। यस ओके सो सी ये यूजेस को ना आप जब लिखोगे, अगर आपको लिखने को अगर बोला गया है, मैंने अभी मार्क करवाया है, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हमें कॉपर सिलिकॉन एल्यूमिनियम तीन मिनरल्स के बारे में बताया, तो अगर उसको पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो वो इजीली आपको याद आ जाएगा। ठीक है सब, अभी भी मार्क आप उसको इस तरह से करोगे ना, देखो पहला पॉइंट आपको कैसे करना है कि मिनरल काफी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मिनरल्स जो जिस जो जैम जिसको बोलते हैं वो ज्वेलरी में यूज होता है, यानी कि डायमंड, रूबी, ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन्स। फिर ये फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड आपको कॉपर के बारे में लिखना है, थर्ड आपको सिलिकॉन के बारे में लिखना है, और फोर्थ आपको एल्यूमिनियम के बारे में। ये मैंने इसलिए टू मार्कर बोला क्योंकि चार पॉइंट है, टू मार्कर का आंसर हुआ। और आपको यहाँ पे कुछ भी तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, या गिव टू एग्जाम्पल्स भी आ सकता है। क्लियर मैम? प्लीज चैट, आप चैट कर लो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है मैम? फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम आर यूज आर यूजुअली हार्ड, दिस आर देन सेट इन वेरियस सेट्स ऑफ ज्वेलरी, वो एक पॉइंट हुआ। फिर तीन मिनरल्स के अलग अलग पॉइंट करके आपको लिखना है, ठीक है? तो ये इजिली आपको लर्न हो जाएगा। रुद्रा पटेल, यू हैव एनी डाउट बेटा? ओके जय, अब वापस आप ये यूजेस ऑफ मिनरल बेटा पढ़ लो। ओके मैम, यूजेस ऑफ मिनरल्स, minerals are used in many industries, minerals which are used for gems are usually hard, these are then set in various styles for jewelry, copper is another metal used in everything from coins to pipes, silicon used in the computer industry is obtained from quartz, aluminum obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industries, buildings and even in the kitchen cookware. Okay, चलो अब ये यहाँ पे हमारा mineral part खत्म होगा। अब ये mineral के हम conservation के बारे में बात करेंगे, यानी ये जो mineral resources है, it is very necessary कि हम इसको conserve करके रखें। बेटा quartz is one type of what stone? It is one type of stone, beta. मैम ये लोग ये बिल्डिंग्स में बहुत यूज होते हैं। क्या हो गया बेटा? मैम बिल्डिंग्स में बहुत यूज होते हैं क्वार्ट्ज। यस। Which type of a rock it is formed? I just forgot. I guess so. It is sedimentary, not the igneous one. Sedimentary, I guess so. मैम for what? For what? Stone कौन से rock से form होता है? मैं वो सोच रही हूँ। Sediment.
Now see, conservation of mineral. Mineral, non-renewable resources. Devam, non-renewable, yani ke? Yes, Rudra, you can rejoin. Ma'am, non-renewable matlab koi bhi cheez. No, ma'am, not that. Ma'am, I was having the network problem, so I can't join. Okay. Ma'am, can you explain? बेटा आप बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, ये बोलना चाहते हैं? क्या रुद्रा? हां मैम. ओके. नो मैम, आई इट्स ओके. नो मैम, मैम कैन यू री एक्सप्लेन प्लीज मैम, आई वाज स्टडीइंग दैट. व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? मैम ही इज आस्किंग फॉर री एक्सप्लेन. ही इज आस्किंग for explanation of uses of minerals again. Uses of minerals again. Sagnik, would you please help him? Why don't you help him? So, your revision will be done. Try it. Ma'am, but I am not sure. Ma'am, but I am not sure that he wants to know that about the uses of minerals. He can also ask for something else. What explanation you want again? Please chat it. He wants the re-explanation. He is telling that. Now, what re-explanation? But okay, of what? Topic. Okay. What the topic? Okay, chalo. Anyways, he will chat us and then we will explain. Devam. Yes, ma'am. Can I okay, say? Okay, he wants, Sagnik, he wants that only. Uses of mineral. Till that, whatever. Chalo, can you help? Come on. You, Kathan, Pankti, you all can help him out. Ma'am, may I help? But we are not clear with which topic he wants to clear. This is about uses of mineral now. Ma'am, may I help you? Yes, ma'am. मैम यूजेस ऑफ मिनरल्स में ऐसा बोला गया है कि मिनरल्स जो ज्यादातर होते हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं और मिनरल्स जो होते हैं यूजुअली जेम्स होते हैं और वो मैम बहुत ज्यादा मतलब सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं और मैम वो वेरियस स्टाइल्स के होते हैं जो ज्वेलरी में भी यूज किए जाते हैं और मैम जैसे कि मैम मिनरल्स जैसे कि कॉपर जो कि एक और मेटल का ही नाम है और मैम वो कॉइंस से लेके पाइप तक ऐसी चीजों में यूज किया जाता है और एक और मैम मिनरल है जिसका नाम है सिलिकॉन जो कि पूरी तरीके से कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जैसे कि कंप्यूटर में जो चिप होता है सीपीयू के अंदर उसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और फिर मैम आता फिर आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम मैम हमको मिलता है एक और बॉक्साइट नामक मिनरल से हमको एल्यूमिनियम मिलता है जो कि ऑटोमोबाइल्स फिर एयरप्लेन्स और बॉटलिंग इंडस्ट्री बिल्डिंग्स और किचन में भी यूज किया जाता है और हाँ मैम वेरी गुड सच ए नाइस हिंदी. चलो थैंक यू. Okay, he was he's asking about the marks. ये टू मार्कर का है रुद्रा. चार पॉइंट में आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको. टू मार्कर, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है वन मार्कर और ये आंसर यूजेस ऑफ मिनरल टू मार्कर भी आता है. ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ही मार्क करना है, अभी कहीं पे लिखना नहीं है. देवम, मैं आपसे पूछ रही थी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कैन आई मैम? अरे देवम को आता है. Non-renewable resources are those who cannot be after they finish, they take a long, very long time to be made. They cannot be reused. हम उसको वापस यूज नहीं कर सकते. We have to wait again, right? Okay. Yes. So mineral be non-renewable है. It takes million of years to again process this mineral. कंसेंट्रेशन के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन काफी छोटा होता है, उसके सामने हम उसको यूटिलाइज यूज रेट में करते हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये मिनरल का वेस्टेज कम करें और माइनिंग का प्रोसेस भी कम करें. ये मेटल्स को हम रिसाइकल करें बाई यूजिंग थ्री आर. सी
रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस यू हैव टू अप्लाई 3R इन दिस मिनरल. अब यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. आउट ऑफ द बॉक्स वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द वन मार्कर नेम 3R फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. नेम 3Rs राइट. देन योर आंसर शुड बी रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूस. Such type of questions are known as out of the box questions. आपने कभी सोचा नहीं था और ऐसे questions आ जाते हैं. अभी हमारे तो science में भी 5 hours आ गए मैम. Science में 5 hours आ गए. हाँ 5 hours science में right. हम अभी paper का होता है. दूसरा तो कौन सा है, कौन बताएगा? Refuse and recover science. ओके पर यहाँ पे हमें कंजर्वेशन में 3R यूज करने हैं. रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस. सो यू कैन राइट डाउन दैट अ क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम एंड यस इवन आई कैन आस्क यू. ठीक है वन मार्कर है आपको लिखना है नेम द 3Rs फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. आपको वहां पे दिया ही है एक डायग्राम जिसमें 3R दिया है मिनरल्स के. रिसाइकल रीयूज रिड्यूस. ओके देवम ये कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वाला पार्ट पढ़ लो बेटा. यस मैम. मैम कैन यू से द पेज नंबर इन द ओल्ड एडिशन 29. यस मैम 27 पेज नंबर इन द न्यू एडिशन. Yes, minerals are a non-renewable resources. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. ओके देन अगेन मिनरल वाला पार्ट आज हमारा फिनिश हो गया. ठीक है आप लोग को नेक्स्ट वीक मैं वापस बोलूंगी पूरा चैप्टर रीड करने के लिए. कोई भी टॉपिक किसी को वापस समझना हो तो मैं करवा दूंगी. नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड दैट इज पावर रिसोर्सेज. क्लियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ इंडस्ट्री पावर फॉर इंडस्ट्री पावर. ठीक है यानी एनर्जी वन टाइप ऑफ एनर्जी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पावर एनर्जी है हमें इंडस्ट्री में यूज होती है एग्रीकल्चर में यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन और डिफेंस. पावर रिसोर्सेज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज. आज फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. कम टू द पेज नेक्स्ट पेज एंड देयर इट इज गिवन द पावर रिसोर्सेज. ओके उसी पेज में सबसे पहले तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है. सबसे पहले ठीक कन्वेंशनल रिसोर्सेज के पहले आपको फोर लाइंस दिख रही है. यस मैम. यू हैव टू रीड दैट फोर लाइंस. ओके मैम. पावर एनर्जी प्लेस अ विटल रोल इन अवर लाइफ. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. Power resources may broadly categorize as conventional and non-conventional resources. Okay, please underline this last line. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional. Just for reading part, okay? First, we will understand the conventional sources. ये वो sources होते हैं जो common use होता है काफी long समय से. ये yes Peter. Yes Pankti. मैम वो मेरा नेटवर्क इश्यू था तो हम आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो? क्या हो गया पंक्ति? हम वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो? साधनिक न्यू एडिशन का पेज बताओ. मैम पेज नंबर 27. देखो बेटा पेज नंबर 27 है दिखा आपको? यस मैम. कन्वेंशनल सोर्सेज मिला बेटा? यस मैम. ओके conventional sources of energy are those जो common use काफी
लॉन्ग समय से ये सोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, ये दो एग्जांपल्स है कन्वेंशनल सोर्सेज के, ठीक है। ये सिर्फ दो यहाँ पे दिए, पर यूजुअली है फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइड्रल पावर। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो एग्जांपल है बायोमास और बायोगैस यू आर टॉकिंग। मैम जो बायोगैस होता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, उसी के नाम को बायोमास, नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो फायरवुड, आपको एक टेबल दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें फायरवुड के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, कोल के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, हाइड्रल पावर के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, और ऊपर फ्यूल, ऑयल और नेचुरल गैस। कैन यू ऑल सी दैट टेबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ। और मैम नाउ कैन यू हियर माय बैकग्राउंड वॉइस? व्हाट कथन? मैम ये मिल गया मुझे, ऑयल नेचुरल गैस। हम पढ़ रहे, हम वो भी पढ़ेंगे लास्ट में, वो भी मैं सबको। मैम 3.8 फिगर 3.8 फिगर, हां 3.10 यहां पे 3.10 बोला है, फिगर 3.10, ठीक है। और वहां पे टिक करके ऑब्जेक्टिव लिख दो, वेट सबमिट, वी विल कम टू दैट पॉइंट, और उस टेबल को ऑब्जेक्टिव टिक कर दो। साग्निक, वी विल कम टू दैट पॉइंट, वो पैराग्राफ में जब हम आएंगे तो मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगी। ओके, चलो। तो कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो काफी लॉन्ग समय से कॉमन, एक तो यूज होता है, काफी लॉन्ग समय से यूज होता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फायरवुड। यहाँ पे फायरवुड दिया है, तो हम सबको पता है पहले के जमाने जब गैस अवेलेबल नहीं था तो लोग लकड़ियां जमा करते थे और उससे उनका कुकिंग, राइट, चूल्हा जलाना जैसे बोलते थे, दे यूज्ड टू फायर द वुड्स और उसके ऊपर वो लोग खाना बनाते थे। तो फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, हमारे कंट्री में 50% ऑफ एनर्जी विलेजर्स में फायरवुड यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल, उसके साथ ही हमें फॉसिल फ्यूल बोला गया। जैसे हमने सेडिमेंटरी रॉक में पढ़ा था कि सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल ऐड किया जाता है और उसी में से हमें ये फ्यूल मिलता है। फॉसिल यानी कि जब रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिके होता है और वो एक मिक्सचर कन्वर्ट होता है, तब जाके ये फ्यूल मिलता है। कार्बनाइजेशन, यस। फॉसिल मीन्स डिकेइंग ऑफ द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। The remains of plant and animals which are buried under the earth for millions of years and then they convert into fossil fuel with the process of heat and pressure. और इससे हमें मिलता है तीन main sources: coal, petroleum and natural gases. Okay? These are the three main conventional energy which is obtained from the fossil fuel. ये जो रिसोर्सेज है, पावर रिसोर्सेज, ये काफी लिमिटेड है और हमारी पॉपुलेशन के सामने कंजम्पशन ज्यादा है, इसका ग्रेटर है, ठीक है। तो इट इज लाइकली कि इन फ्यूचर ये मिनरल्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ओके, कैन आई रीड द फायरवुड? कथन, यू हैव टू रीड फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स। ओके, conventional sources of energy are those which have been common use for long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. It is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. Remains of plants and dead animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. The reserves of these animals are limited.
the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be extinct least soon. सुनाई दिया सबको? हम बहुत ही लो आ रही थी, बहुत ही लो आ रही थी। उसकी मम्मी ने आज खाना नहीं दिया था उसको, इसलिए। नहीं मैम, मैं तो बराबर बोल रहा था। हाँ हाँ चलो, अभी बस यहाँ तक करना है। तो यहाँ पे एक लाइन पहले अंडरलाइन कर दो। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। आई एम रिपीटिंग दैट लाइन अगेन। फॉसिल फ्यूल सच एज coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. Okay. Now, Pankti, what you have to read, जो figure है ना, जो मैंने अभी table आपको tick करवाया, उसमें firewood के advantage और disadvantage पढ़ना है. Okay, ma'am. Firewood advantage: easy access, provides energy to a large number of people. Disadvantage: collection is time consuming, polluting, promoting greenhouse effect, deforestation. Okay, now I'll explain you coal. This is most abundantly found. सबसे ज्यादा abundant यानी quantity में सबसे ज्यादा fossil fuel ये मिलता है. Domestic fuel industry में, iron and steel, steam and engines में और electricity generate करने में भी इसका use होता है. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है कोल, उसको बोलते हैं थर्मल पावर. उसको क्या बोलते हैं? थर्मल पावर. जो भी मिनरल से या रिसोर्सेस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसका सबका अलग अलग नाम होता है. उसका क्या होता है? अलग अलग नाम. कोल से थर्मल पावर, हॉट स्प्रिंग से जियोथर्मल, पानी से हाइडल पावर, ठीक है, विंड से हम यूज करते हैं, विंड से हम करते हैं ना, विंड एनर्जी करते हैं कि नहीं करते? विंड से करते हैं. यस मैम, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी बोलते हैं उसको, विंड एनर्जी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से हम जनरेट करते हैं उसको थर्मल पावर बोला जाता है. कोल विच आर यूजिंग टूडे, आज जो हम कोल यूज कर रहे हैं ना, उसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है. और ये कैसे बनता है? इट वॉज बिलीव्ड कि मिलियंस ईयर अगो जब जायंट फर्न्स एंड स्वैम्स, नाउ व्हाट आर दिस फर्न्स एंड स्वैम्स? दे आर वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, राइट? ये एक टाइप के इंसेक्ट है जो लेयर ऑफ द अर्थ में बरीड हो गए थे. जायंट फर्न्स एंड स्वैम्स, दे आर वन टाइप ऑफ इंसेक्ट. वो तो बहुत बड़े बड़े होते थे. इतने भी बड़े नहीं, पर इंसेक्ट, इंसेक्ट बड़े तो होते नहीं, इंसेक्ट तभी बोला जाता है ना उनको, ठीक है. ये बरीड हो गए थे और इससे कोल प्रोसेस्ड होता था, और इसीलिए कोल को बोला जाता है बरीड सनशाइन. क्या बोला जाता है? वो इंसेक्ट का नाम बोलो, बरीड सनशाइन. बरीड सनशाइन, क्लियर मैम? आप हैंग हो गए थे बीच में. नहीं नहीं मैम, यस मैम क्लियर. यस मैम क्लियर. ओके वेट नाउ. चलो अभी देखो, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और इंडिया के नाम बताए गए. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाई कोल इज नोन हैज बरीड सनशाइन, वन मार्कर. दूसरा वन मार्कर आएगा कि विच सोर्स और विच मिनरल इज नोन हैज बरीड सनशाइन. आपको समझ में आ रहा है? किसी भी तरह आपसे पूछा जाएगा. फिर आपको क्वेश्चन आएगा, नेम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड और नेम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन द इंडिया. लीडिंग प्रोड्यूसर में से किसी भी एक कंट्री का नाम लिखना है ना. यस
किसी एक का नहीं बोला है, नेम नेम द राइट नेम चाइना चाइना मैम सारे कर देते तो सारे लिख देंगे तो चाइना यूएस वन मार्कर होगा तो यहाँ पे अगर मार्क्स के हिसाब से चाइना है ना चाइना ओके नाउ सी सो पोल जो है आपको वहां पे टिक करना है और आईएमपी करना है पूरा पैराग्राफ आपको थरली रीड करना है ओके चलो पंक्ति आप ये पोल वाला पार्ट पढ़ लो मैम पेट्रोलियम मैं पढ़ूंगा तो चलेगा मेरे को बताऊंगी बताऊंगी पहले पंक्ति को ये तो खत्म करनी दो पोल दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल चलो पंक्ति थोड़ा लाउड बेटा यस मैम This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. What was that? Nobody knows. Background voice. Okay, wait. बाकी सिर्फ पंक्ति और मेरा माइक ऑन रहेगा. बाकी सब प्लीज म्यूट कर लो. म्यूट. Ma'am, may I start? Yes, Peter. Start. Coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. Yash, agar main tujhe mana kar dungi to tu nahi jayega? No ma'am. Acha to mat ja. ऐसे सिली चीजें प्लीज चैट करके मुझे मत पूछो यार इट टेक्स अ सेकंड आप जाओगे और वापस आओगे तो ओके हियर आई हैड मेड अस अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर एवरीवन प्लीज आई एम रेक्टिफाइंग इट लिसन इट अगेन ठीक है कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वर फॉर्म मिलियन ऑफ इयर्स अगो व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स दे आर नॉट द इंसेक्ट्स जायंट फर्न्स आर ह्यूज ग्रासेस ओके दे आर द ह्यूज ग्रासेस एंड स्वैम्स यानी के वो टाइप के प्लांट्स जो पानी के नीचे और आधे ऊपर होते हैं ठीक है जिसके रूट्स पानी के नीचे होते हैं वॉटर लॉग्ड प्लांट्स और वी कैन से ट्रीज ये सब जो लेयर ऑफ द अर्थ में बरीड हो गए थे और तब जाके कोल फॉर्म हुआ था तो एक टाइप का वो डिके हो गया था उसको हम बरीड सनशाइन बोलते हैं क्लियर एवरीवन स्वैम्प मतलब जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं उनको स्वैम्प्स कहते हैं हाँ ओके आधे अंदर आधे बाहर जहाँ पे यूजुअली पानी से भरे हुए होते हैं द एरिया विच इज वाटर लॉक यस यस मैम मैम उन्हें बरीड सनशाइन क्यों कहते हैं बरीड इसलिए बोला जाता है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर वो लेयर ऑफ द अर्थ में बरीड हो गए और फिर जाके कोल फॉर्म हुआ सनशाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस विच वी यूटिलाइज जब जब रेलवे था तो स्टीम इंजन क्यों बोला जाता था वो स्टीम इंजन किससे चलती थी पता है ना वो एक उसका जो कोयला कोयला कोल से चलती थी कंटीन्यूअस कोल डालना पड़ता था हां मैम गदर इज प्रेम कथा मैम तुमने देखा है मैम हर बार सोचता था कि ऑफ कैसे करते होंगे कोल को एक वक्त था जब कोल काफी इम्पोर्टेंट था उसकी भी स्मगलिंग होती थी हमारे इंडिया में ओके स्मगलिंग हाँ स्मगलिंग होती थी तो ये बरीड सनशाइन इसलिए उसको बोला जाता है पंक्ति यू हैव कंप्लीटेड राइट नो मैम द लास्ट प्लीज वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो बेटा फिर मैं पेट्रोलियम करवाती हूँ Yes, ma'am. The leading coal producers of the world are China, US, Germany, Russia, South Africa, and France. The coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad, and Bokaro in Jharkhand. Okay. Chalo.
What happened, Rudra? You want to read? Yes, ma'am. Wait. First, let me explain. Ah, Mehta. Ma'am, can I read? सबको चांस मिलेगा. मीत तो आया है. मीत? Yes, ma'am. पर दिख नहीं रहा है. आज इनविजिबल मिस्टर इंडिया क्यों बना हुआ है? मैम क्योंकि आपकी आवाज है ना, जब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो तो बहुत कट कट के आ रही है इसलिए. क्या बात है, तेरा वीडियो भी मुझसे डरता है. ओके चलो. पेट्रोलियम, पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल. सॉरी, उसके पहले किसको रीड करना, सबको रीड करना है. ओके यश, तू जाके आ गया? तूने जो मुझे इंफॉर्मेशन मांगी थी हो गया तेरा? हाँ, अभी देखो वो फिगर में पोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है. पढ़ो तो. यस मैम. हाँ, एक्सटेंसिवली अवेलेबल एडवांटेज, एक्सटेंसिवली अवेलेबल एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, डिसएडवांटेज polluting source, bulky to transport. Okay, do you need any explanation for this? Yes, no, can I explain? No, it is easy to understand. Just koi word aapko nahi samajh mein aaya to. Okay, ab hum petroleum pe aate hain. Petroleum kya hai? Theek hai, it is a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of the rock. उसको drill करना पड़ता है. जो हमने extraction of mineral में drilling वाला part नहीं पढ़ा था, तो drill करना पड़ता है from the oil fields जो कहाँ पे located होते हैं, offshores और coastal area में. फिर उसको भेजा जाता है refinery plants में. कहाँ पे? Refinery plants में, जहाँ पे वो refine किए जाते हैं, यानी crude oil में से निकाला जाता है diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. ओके, पेट्रोलियम और उसकी ये डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल होते हैं, काफी वैल्यूएबल होते हैं. जैसे आज ही डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए हैं. ओके यस मैम, मैंने आज ही न्यूज में देखा था. मैम आज दूध के भी भाव बढ़ गए. क्रूड ऑयल में ये जो ऑयल या ग्रीस, ठीक है, ये सब्सटेंस जो ऑयल और ग्रीस हम इंजन में डालते हैं ना, हम जब पेट्रोल फिल करवाते हैं तो कई बार हमें ऑयल भी फिल करवाना पड़ता है साथ में. ओके, तो दिस आर नोन एज लुब्रिकेंट्स. ओके, डीजल हम सबको पता है, पेट्रोल हम सबको पता है, केरोसिन पता है, वैक्स पता है, प्लास्टिक पता है. क्रूड ऑयल यानी कि जो रॉ ऑयल होता है, उसमें से रिफाइन करके हमें कितनी चीजें मिलती है. लुब्रिकेंट्स इज द ऑयल एंड द ग्रीस. अब ये सभी को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल. चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार एंड द मेजर प्रोड्यूसर्स यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. इन इंडिया, इंडिया का स्पेसिफिकली आप सबको मार्क करना है. बिग बॉय इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. आप सबको वर्ड ओरिजिन दिया गया है. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल. सो इट इज द रॉक ऑयल. ओके जैनी, आपके वहां से ये आवाज आ रही है बेटा? मैं गजब की आवाज है, बहुत मेरे भाई के, मैं गलती से माइक ऑन हो गया तो मेरे भाई खेल रहा है ना, उसकी आवाज है. ओके बेटा, ओके चलो. बार बार वीडियो मत ऑफ कर दो बेटा. चलो अब ये पेट्रोलियम वाला पढ़ो. यस मैम. पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग both began as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rock and is drilled from the oil fields located in offshore and coastal areas.
This is then sent to refineries, which processes the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold, as they are valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia, and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela, and Algeria. The leading producers in India. Yes, Shaini beta, I will give you a chance. Maine padha beta. Yes, sorry, continue. The leading producers in India are Big Boy in Assam, Bombay, High in Mumbai, and the deltas of Krishna and Godavari rivers. Okay. अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे कोल की तरह अंडरलाइन करना है. ये पूरा पेट्रोलियम आईएमपी मार्केट इंपॉर्टेंट. वन मार्कर आ सकता है व्हाई पेट्रोलियम इज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड. क्वेश्चन आ सकता है नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया इन द वर्ल्ड. ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ओके चलो जैनी मैम मैरिट करो. रुको आपको पूरा चैप्टर अभी काफी बाकी है. यस मैम. जैनी आपको वहां पे ऑयल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले पढ़ना है. ओके मैम. मैम मेरी आवाज आ रही है? यस बेटा. ओके easier to transport beta mila. No ma'am. Ma'am can you tell me page number? You are having a new edition PDF na kathan. Yes, page ma'am. Number batao 28 mein jo figure hai na wo figure dekho usme aapko upar wala table hai oil aur natural gas. Yes, ma'am. Oil advantage is still the transport tractors. Second point, based on petrochemical identity, disadvantage, develop of oxygen due to oil supplying. Oil supplying. And gas. Oil spillage यानी oil spill होना. मैम गिर जाना नीचे जमीन पे. हाँ गिर जाना. मैम spills मतलब गिर जाना. मैम गुजराती ढोरा ही जाओ. हाँ ढोरा ही जाओ. Yes. Oil basically आपको पता है कैसे transportation होता है उसका basically. हाँ मैम पता है मुझे. बोलो बताओ. मैम वो जो जमीन में से जब पेट्रोलियम निकलते हैं ना तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करती हूँ डियर. हमें ऑयल टैंक रिफाइंड होके मैम ऑयल टैंक जाता है. अच्छा पेट्रोल पंप पे और फिर उसमें पेट्रोल पंप पे आप जब देखोगे ना तो जमीन पे एक स्टील का ढक्कन जैसा होगा उसे खोल के उसमें पाइप डालकर डालते हैं और फिर सारी मशीनें. सही बात है. सही बात है. कंटिन्यू बेटा. And gas leakage populated released caused acid rain. Exploration to of new fuel is not easy. Okay. Natural gas advantage. Okay. Page number 29 पे word origin है वो पढ़ो. Yes, ma'am. The word origin, the word petroleum is derived from Latin words petra meaning rocks, oleum meaning oil. So, petroleum means rock oil. Okay. Chalo. Now we will come to the natural gas. Okay. Natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. ये domestic और industrial fuel में use होता है.
रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड्स ये उसके मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के इंडिया के, ठीक है। जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ऑफ शोर इन मुंबई, ये उसकी शार्प इंक्रीज यानी कि नेचुरल गैस की काफी डिमांड है, इंक्रीज हो रहा है। यस मैम, मुझे नहीं पता था कि है ना मैम त्रिपुरा भी हो सकता है मैम। आपको नहीं पता था क्यों? त्रिपुरा मेरा होम, मैम त्रिपुरा मेरा होम टाउन है ना मैम, मैं वहाँ पे बहुत बार गया हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे नेचुरल गैस इतना सारा होता है। अब पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट यू गो टू दैट प्लेस वेयर इट इज बीइंग फाउंड। ओके यस मैम। अब ये जो नेचुरल गैस है, ये जो फ्यूल जब बर्न होते हैं उससे काफी पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू चेक कि ये फॉसिल फ्यूल जब हम ज्यादा यूज करते हैं, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हमने अभी तक पढ़े, ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, और इसीलिए हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑल्टरनेटिव यूज करने का सोचा है। ओके सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डू यू नो दिखेगा, ये अंडरलाइन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इट इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल विच कॉज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो आपको सिर्फ CNG का फुल फॉर्म पूछा जाएगा वर्ड मार्कर में, तो वो आपको अंडरलाइन करना है। यस मैम। दृष्टि मैम। Yes, ma'am. Read the advantage of natural gas data first. Ma'am, yes. Can I? I have a doubt. What, Yash Peter? Ma'am, if gold takes millions of years to produce, then why people do not kill goldfish and take gold from it? क्या क्या? It takes millions of years to process. हाँ तो. तो मैं लोग गोल्डफिश में से गोल्ड क्यों नहीं निकाल लेते? गोल्डफिश में होता है गोल्ड निकलने जैसा? गोल्डफिश की बात कर रहे हो? यस मैम। वो उसमें गोल्ड मिलता है इसलिए उसको गोल्डफिश नाम दिया है। कल जाके मैं कोई कुत्ते का रंग गोल्ड ही रख दूंगी तो उसका मतलब ये है कि उसमें से गोल्ड मिलता है। नहीं मैम, उसका मतलब तो ये होगा उसका नाम है वो। यश क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन तूने मुझे पूछा। गोल्ड फिश में से गोल्ड निकलता है तो लोग क्यों नहीं निकाल देते? क्या यश मैं ऐसे तो सब फिश की तादाद घट जाएगी मैम। इतना फनी क्वेश्चन है मैम। हां यश भी फनी है। कल जाके किसी का नाम मैंने गोल्ड ही रख दिया तो वो बेचारे को यश जाके उसको मारेगा तेरे में से गोल्ड निकल रहा है। चलो दृष्टि नेचुरल गैस पढ़ लो। यश बहुत बोर हो गया था इसलिए। मैम हमें तो पढ़ने दो। अरे सब मैं आज दूंगी, डोंट वरी। चलो दृष्टि खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो खत्म करते हैं, फिर रेस्ट पार्ट में सैटरडे कंप्लीट। सैटरडे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मैम आज क्या होमवर्क दोगे? आज सिविक्स का होमवर्क है। चलो फटाफट पहले होमवर्क कर दो। दृष्टि को बस मैं पहले बुक ले। मैम मैं सिविक्स की टेक्स्ट। मैम वेट 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 मैम मैं सिविक्स की टेक्स्ट बुक लेके आता हूं। मैं हां चलो मिनट रुको रुको, मेरे पास स्टिकी नोट कहीं पे भी लिख लिख दो। आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे चैप्टर चैप्टर 3 लिखना है। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैम 2 मिनट। Short note on fundamental rights. Ma'am, 1 minute, ma'am. Ma'am, repeat karo na. Definition of constitution karna hai. Short note on fundamental rights karna hai. Fir ek aapko textual question answer hoga. Why do we need constitution? Right? Hai? Dekho textbook ke piche wali mere paas. Yes, ma'am, hai. Wo question. Short note kaun si likhte hai? फंडामेंटल राइट्स, वो पूरा कॉलम है ना फंडामेंटल राइट्स वाला। हाँ मैम। हाँ मैम। मैम वो करना है। मैं फंडामेंटल राइट्स। रुको रुको रुको, पहले है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स शॉर्ट नोट, थर्ड है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। बस ये 3 लिखना है आपको।
Why? मैम तीसरा क्या था? Why? Constitution is necessary. हाँ मैम हो जाएगा. हो जाएगा. ओके चलो साधवी ने बोला सबका हो जाना चाहिए. अरे सब हो जाएगा. हो जाएगा. हो जाएगा. हो जाएगा. See, why I have given you the fundamental rights on that same page, आपको उसमें नीचे मैं Saturday आपको solve कराऊंगी. उसके नीचे आपको दिया गया a boy of 13 year is working in a factory. What type of fundamental right is given? The right against exploitation. दोनों पीरियड ले लेना. नहीं दोनों पीरियड लेने की जरूरत नहीं है. अरे मैम ले लो ना मजा आएगा. मैम ले लो ना वैसे मजा आएगा. मैम मैम फंडामेंटल राइट के लिए टेबल कहाँ है? पेज पे हमारी. मैं आपको बोलता हूँ अगर मैम फंडामेंटल राइट में किसी की मैम तो मेरे को फुल मार्क्स. मैम फंडामेंटल मैम फंडामेंटल राइट जैसे कि मैम वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऐसे मैम सारे के डिफाइंस लिखने ना आपको आपके शॉर्ट नोट के बाद होमवर्क कौन सा दिया? चलो मैम 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 फंडामेंटल राइट वाला टेबल का है मैम मिल नहीं रहा है. आप छुपा कर रखा है यार. इट इज वो चैप्टर खत्म होने आ रहा है उसका सेकंड लास्ट पेज ही. आई एम नॉट हैविंग राइट नाउ टेक्स्टबुक विद मी अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू. हां मैम मैं बताता हूं. मैं मेरे पास है टेक्स्टबुक में अभी बताता हूं. उसमें जो फंडामेंटल राइट वाला शॉर्ट नोट है ना की फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो कॉलम है सारे फंडामेंटल राइट्स. वो कॉलम लिखना है चैप्टर पे.